हेलो एवरीवन वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स कैसे हो आप सब लोग <coughs> जी हाँ एम पी कोऑपरेटिव के सेशन में आप सबका स्वागत है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज लेक्चर आपसे कुछ बात करना चाहूंगा कि एम पी कोऑपरेटिव की एग्जाम सभी बहुत पास में आ गई है कुछ लोगों की एग्जाम ट्वेंटी थर्ड से स्टार्ट हो रही है सो ट्वेंटी थर्ड से लेकर ट्वेंटी एट तक अलग अलग वैकेंसीज की अलग अलग पोस्ट की एग्जाम्स आपकी हैं उसी ओरिएंटेड हमारे सेशन चल रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम एमसीक्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च फर्स्ट टू 15th मार्च एटलीस्ट कवर करना जरूरी रहेगा बिकॉज आजकल जिस तरीके से आई पेपर को सेट करता है तो काफ़ी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार देखने को मिलते हैं तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि फर्स्ट और फिफ्टींथ फर्स्ट या मार्च मंथ बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है यू नेवर नो बिकॉज इन बैंकिंग एग्जाम्स बहुत बार ऐसे सरप्राइजेस ऐसे शॉक्स देखने को मिलते हैं तो कोई हमारा uh, नुकसान तो होगा नहीं हम पढ़ लेंगे तो आज और कल ये दो दिन हम मंथ ऑफ मार्च के कुछ एम कवर करने वाले हैं तो आज जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा मैं कवर कर लूंगा हमारे वन आवर के सेशन में अगर सपोज पूरे नहीं हो पाए तो बचे, बचे हुए क्वेश्चन हम कल के सेशन में कवर कर लेंगे थ्री टू फोर ये भी पॉइंट याद रखेगा ओके चलो तो गुड आफ्टरनून टू तो एवरी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए बाकी भी दोस्तों के साथ बाकी सब लोगों के साथ अ, मेरी आवाज आ रही है सब तक <coughs> एक बार बता दीजिए एम ऑडिबल टू ऑल सबको आवाज आ रही है सही तरीके से सो विल स्टार्ट विद द सेशन एंड हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते डरेक्टली सेशन की शुरुआत करेंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो प्लस आने वाले सेशन की लिंक और इंफॉर्मेशन भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी यह सब लोग रेडी है <coughs> स्टार्ट करें चलो तो मैं शुरू करता हूं अगेन मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों आज जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा फोकस रहेगा ऑन मार्च करंट अफेयर्स मार्च करंट अफेयर्स के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा आज के सेशन के अंदर तो मेरे ख्याल से वहां पे आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए यस सो आई विल स्टार्ट विद द सेशन सेशन की शुरुआत कर देता हूं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिंपल क्वेश्चन है नाडा

नाड़ा को क्रिएट किया गया सो so, नाड़ा का गठन 2005 में क्रिएट किया, किया गया ध्यान रखेगा तो इनका रिसेंटली किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बचपन से ही बताया जाए कि ये एंटी डोपिंग क्या होती है कौन से मेडिसिन अलाउड नहीं होते क्यों नहीं होते इन सब की जानकारी उनको बचपन से दी जाए तो हमारे पास एनसीईआरटी है एन के साथ यहाँ पे टाइप किया गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं जी हाँ एन तो एन के साथ यहाँ पे टाइप किए गए एन का गठन 1961 में क्रिएट किया गया और नाडा की बात करेंगे तो नाडा को 2005 में बनाया गया और ये दोनों अथॉरिटीज का भी टाइप हो गया पर्पज वही है कि बचपन से अगर ये गाइडेंस मिल जाए तो डोपिंग सारी चीजों में तो फिर बाद में कोई इश्यू नहीं होगा स्पोर्ट्स बहुत न्यूज में चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर भी खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए प्लेयर्स आते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इस पे ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एक और पॉइंट याद रखिए वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे नाडा के तरह वाडा काम करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियाल कैनेडा के अंदर है और नेशनल लेवल पे नाडा काम करता है तीसरा पॉइंट नील शेट्टी साहब एज द ब्रांड एम्बेर सुनल शेट्टी सा है वेरी एक्टर ऑफ इंडियन मूवी इंडस्ट्री सो ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा यह भी पॉइंट याद रखेगा तो यहां पर भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है सो so यही कुछ पॉइंट है करंट ओरियंटेड है मार्च uh, मंथ का न्यूज है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ वेरी सिंपल विच सिटी विल होस्ट द सिविल ट्वेंटी इंसेप्शन मीटिंग फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च आज से ये मीटिंग स्टार्ट हो रही है अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था तो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल बन सकता है नो डाउट अबाउट दैट सिविल ट्वेंटी सी ट्वेंटी सिविल ट्वेंटी की बात की जाएगी यार जो लोग अभी अभी हमारे एम पी के सेशंस को जुड़े होंगे उनको बताना चाहूँगा कि हम काफी दिनों से सेशंस कवर कर रहे हैं और हमने लगभग सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सेशन वाइज सेशन कवर कर ली जिनको ये लगता है कि एक दिन की पढ़ाई में एग्जाम निकल जाएगी तो उनको मेरा शत शत नमन ऐसा पॉसिबल नहीं है ओके okay. और अगर बात की जाए सेशंस की लास्ट सिक्स करंट अफेयर्स अभी हम वीकेंड को कवर किए थे सैटरडे सैटरडे को उसके पहले लास्ट हमने लास्ट हमने मंथ्स करंट अफेयर्स कवर किए थे बीच में भी हमने कुछ बैंकिंग के स्टैटिक कवर किए हमने कुछ बैंकिंग न्यूज कवर की हुई है आज हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये बाकी भी सेशन आपको देखने पड़ेंगे उनसे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी एक सेशन में सारा रामायण महाभारत कवर करना ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होगा और जो ऐसा कहता है वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है ये भी पॉइंट याद रखेगा सिविल ट्वेंटी की बात करें तो यहां पे नागपुर नागपुर के अंदर इसे होस्ट किया गया मध्य प्रदेश के बगल वाला शहर है Uh, सुनागपुर में एक और पॉइंट सिविल ट्वेंटी की बात करें तो सिविल ट्वेंटी के मीटिंग्स के चेयरपर्सन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो सिविल ट्वेंटी के चेयरपर्सन माता अमृतानंद देवी आप उनका फोटो देख सकते हो शी इज द चेयरपर्सन ऑफ सिविल ट्वेंटी ये भी पॉइंट याद रखेगा ये चेयरपर्सन जैसे बी ट्वेंटी बिजनेस ट्वेंटी एन चंद्रशेखर अंसर टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन वो बी ट्वेंटी के चेयरपर्सन है और वैसे ही सिविल ट्वेंटी की बात करें तो माता अमृतानंद देवी जी ये सिविल 20 की हेड है इंचार्ज ध्यान रखेगा एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा G20 के अंदर 19 कंट्रीज और एक ग्रुप आता है यूरोपियन यूनियन ये हमें पता है कि नहीं 19 कंट्रीज आती है और एक ग्रुप आता है वसुधैव कुटुंबकम इस द, आ, इस नजरिए से हम इसको इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमने ये 20 मींस 19 कंट्री और एक ग्रुप के अलावा हमने और कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया है स्पेशल इनविटेशन भेजा हुआ है ये कंट्रीज जी ट्वेंटी का पार्ट नहीं है स्टिल हमने अपने बेसिस पे इनवाइट कर लिया कि आ जाइए आप में से कोई बताएगा कितने कंट्रीज को हमने इनवाइट किया है हाउ मेनी कंट्रीज अगर आपको उन कंट्रीज के नाम भी पता है तो सोने पे सुहागा नहीं पता है तो कोई बात नहीं केवल मुझे कंट्रीज के नंबर बता दीजिए कितने कंट्रीज को हमने बुलाया हुआ है नौ कंट्रीज को बहुत बढ़िया जी तो नौ कंट्रीज को हमने बुलाया देखिए बांग्लादेश इजिप्ट, मॉरिशस ओमान नाइजेरिया नेदरलैंड्स, सिंगापुर स्पेन यूएई ए यहाँ पे उन कंट्रीज के रिस्पेक्ट लीडर्स के भी नाम लिखे हुए हैं शेख हसीना जी बांग्लादेश अब्दुल फतेह एल सर अभी इंडिया आए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट है परविंद कुमार जगनौथ ये भी इंडिया आए थे मॉरिशस के हेड है मार्क रुथसर नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं मोहम्मद बुहारी फ्रॉम द नाइजेरिया सुल्तान हैताम बिन तारिक फ्रॉम ओमान देन यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन स्पेन के पेड्रो सांचेज एंड सिंगापुर के ली हसन लॉन्ग सो ये कंट्रीज uh, है जिनको हमने इन्वाइट किया हुआ है तो ये नौ कंट्रीज भी ध्यान में रखेगा क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ये रहा आपके स्क्रीन पे व्हाट इज द थीम ऑफ जलशक्ति अभियान कैश द रेन 2023 कैंपेन ध्यान दीजिएगा अच्छे से ये कैंपेन ना लास्ट ईयर स्टार्ट किया था मार्च मंथ में और ये कैंपेन अभी इस साल या इस साल मार्च में खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं लास्ट ईयर हमारे प्रेसिडेंट मैम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी सो कैंपेन है जलशक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन गजेंद्र सिंह शेखावत सर हमारे जलशक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं उनके मिनिस्ट्री के द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत की गई है सो so, इसका जो थीम है वो थीम रखा गया सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गड़बड़ कर देते यहां पे कैश दर इन लिखा है तो यहां पर ए, ए मार्क कर लेंगे बिकॉज सिमिलर लग रहा है हाँ ना हमारे लॉजिक्स अलग होते हैं हम अपने पढ़ाई किए हुए चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते पर हम अपने लास्ट मोमेंट के लॉजिक के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और जनरल अवेयरनेस में कई बार ये लॉजिक किसी काम का नहीं आता है तो अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्कीप दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इस कैंपेन की बात हो रही है हमारे देश के प्रेसिडेंट मैम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई जलशक्ति मंत्रालय हमारे पास है और गजेंद्र सिंह शेखावत सर जलशक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है दूसरा पॉइंट जल जीवन मिशन हर घर में हमें फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं 2024 तक तो 2024 हमने टारगेट ईयर रखा हुआ है ताकि हर घर में हमें टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं सो दैट द पॉइंट ओवर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा हु द फर्स्ट फेज ऑफ बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत जरूरी न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के एंगल में बहुत जरूरी है सेफ सिटी प्रोजेक्ट बेंगलुरु को साइड में कर दीजिए बस इसके तरफ ध्यान दीजिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट हमारे देश में होम मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था होम मिनिस्ट्री द्वारा कुछ बड़े बड़े शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया वहां पे बहुत सारी महिलाओं को आ, उनके ऑफिस में नाइट शिफ्ट को भी जाना पड़ता है तो महिलाओं की सेफ्टी बहुत जरूरी है स्पेशली बड़े सिटीज की बात की जाए मेट्रो सिटीज की बात की जाए तो इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया अभी रिसेंटली बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया ऑब्वियसली अगर बात करेंगे होम मिनिस्ट्री की तो अमित शाह सर का नाम यहां पे आएगा अब ना इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं देखेगा ये थोड़ा डिटेल न्यूज है कि बेंगलुरु के अंदर इसे लॉन्च किया गया फॉर व्हाट पर्पस देखिए पे ऑडियो विजुअल्स इमरजेंसी कॉलिंग स्पेशली महिलाओं के सेफ्टी के लिए सो so, बेंगलुरु सिटी में 496 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है अब ना इसके ऊपर तरफ आते हैं ध्यान दीजिए 2019 में इस योजना का पहली बार अनाउंसमेंट किया गया था टू तो ये योजना नई नहीं, नहीं है दो की है सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कौन सी कौन सी सिटीज आती है एक बार देख लेते हैं दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद अहमदाबाद एंड लखनऊ इन सिटीज के नाम लिखे गए कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आठ सिटीज की यहां पे बात की है इन आठ सिटीज में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा ऐसा गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है टू नाइन वन नाइन करोड़ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी ये शॉर्टलिस्ट ये अलग से निकाल के रखा हुआ है और ये जो पैसा है ये सारा पैसा निर्भया फंड हमारे देश में निर्भया फंड नाम का एक फंड है होम मिनिस्ट्री के अंडर ये फंड आता है ये महिलाओं के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है तो उसी निर्भया फंड के तहत ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारे पास है आर्ट सिटी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है रिसेंटली बेंगलुरु न्यूज में चल रहा था क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वहां पे इसको लॉन्च किया के धीरे धीरे बाकी भी सिटीज में इंप्लीमेंट होगा बट फिलहाल ये आर्ट सिटीज आपके सामने ध्यान रखिए तो देखो कभी कभी ना क्या होता है कि करंट की न्यूज है उस करंट के न्यूज को थोड़ा पास्ट में ले जाके क्वेश्चन बन जाते हैं या बनाए जाते हैं इसलिए जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम हर एंगल सही तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे ध्यान रखिएगा एक और चीज अगर आप इस नजरिए से एग्जाम में जा रहे हो कि ये क्वेश्चन में रट लू और एग्जाम में चला जाऊं या चली जाऊं और मैं पास हो जाऊं तो शायद ऐसा ना हो पाए इसीलिए कहते हैं कि करंट अफेयर्स जिसका अच्छे तरीके से रिवाइज हुआ वही सही मार्क्स कमा सकता है जो एक रात में पढ़ के जा रहा है शायद आपने अपना इंजीनियरिंग अपना साइंस आर्ट्स जो भी आपने किया होगा आपने शायद गोल्ड मेडल भी लाया होगा एक रात में पर ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी फेल होता है और जो बंदा बहुत साल फेल हुआ वो भी टॉपर बन जाता है तो याद रखना यहाँ पे स्मार्टनेस की जरूरत होती है यहाँ पे शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं होती है सँभाल के नेक्स्ट एलिस बेल बैलास्की हु वन द नोबेल पीस प्राइज 2022 वाज सेंटेंस टू 10 इयर्स इन प्रिजन ही बिलोंग्स टू विच कंट्री अभी 2022 का नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया और इनको अभी रिसेंटली इन्हीं के कंट्री ने जेल में डाल दिया 10 साल के लिए जेल में डाल दिया पीस प्राइज मिला है यार अगर हमारे कंट्री के किसी बंदे को पीस प्राइज मिले तो हम सिर पे लेके नाचे उसको पर इनके कंट्री वालों ने उसे जेल में उन्हें जेल में डाल दिया सो so, इनकी कंट्री है बेलारूस बेलारूस से बिलोंग करते हैं uh, देखिए इस बार का जो नोबल पीस प्राइज है तीन लोगों को मिला इसमें एक जो है वो है एलेस की इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोर सॉरी मेमोरियल एंड एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इन तीन लोगों को या ये दो ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्सन को इस बार का नोबल पीस प्राइज मिला 2022 का और ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं वहाँ के ह्यूमन राइट्स के लिए ये काफ़ी मेहनत करते हैं इनको उसी कंट्री के द्वारा सजा दी गई है दस साल की जी हाँ क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है नो डाउट अबाउट दैट बाय द वे और द अदर दे कैन आज द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंट एज न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम यहाँ पे वैसे उनका नाम आपके सामने आ गया क्रेक फल्टन की बात करेंगे ही इज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड ऑफ द इंडियन हॉकी टीम तो न्यू कोच ऑफ द इंडियन हॉकी टीम तो यहाँ पे भी ध्यान रखेगा ठीक है चलो न्यू कोच ऑफ द इंडियन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में काफी निराशाजनक रहा नाइन्थ प्लेस में हमने फिनिश किया उसके बाद नए कोच आ गए टीम में भी काफी बदलाव किए गए और अभी रिसेंटली जो टीम जो टीम हॉकी वर्ल्ड कप जीती जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था उसी टीम को अभी रिसेंटली हमने हरा दिया और हमने बैक टू बैक मैचेस में उनको हराया सो कभी कभी होता है ना कि किसी बड़े टूर्नामेंट में शायद हम क्लिक नहीं कर पाते और फिर उसी के तुरंत बाद हम उसी टीम को बड़ी मार्जिन से हरा देते हैं वही इंडियन हॉकी टीम के साथ हुआ के याद रखिएगा क्वेश्चन वहां पे भी आपको पूछ सकते हैं चलो मुझे एक बात बताइए हमारा जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ वो एक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था ओडिशा के उस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है बिकॉज सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो स्टेडियम है पूरी दुनिया में उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या आप में से कोई उस स्टेडियम का नाम बता सकता है मुझे जल्दी से उस स्टेडियम का नाम बता दीजिए उस स्टेडियम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करेंगे बहुत बढ़िया वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट आंसर बहुत बढ़िया एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं लगे हाथ हमारी जो हॉकी की टीम है महिलाओं की एज वेल well एज पुरुषों की इस हॉकी के टीम के टाइटल स्पॉन्सर या स्पॉन्सरशिप कौन से स्टेट के द्वारा दी जाती है कौन सा स्टेट है जो हमारे हॉकी के टीम को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है जल्दी से आंसर वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ओडिशा की बात करेंगे बहुत बढ़िया ओडिशा इज अ राइट आंसर

नागपुर के पास जो महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन है वहां पे इंप्लीमेंट किया गया ध्यान दीजिएगा 200 मीटर आप देखो यहां पे ये बांबू बैरियर्स है एंड इसका नाम रखा गया बाहुबली बाहुबली इज द नेम गिवन टू दिस बैरियर्स ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो नागपुर से थोड़ा सा दूर वनी वरोरा चंद्रपुर वाला एरिया है वहां पे वनी वरोरा नाम का एक हाईवे का पैच है वहां पे इसे इंप्लीमेंट किया गया रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब है उन्हीं के मिनिस्ट्री के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो वर्ल्ड का सबसे लंबा बाबू क्रैश कैरियर क्रिएटेड बाय इंडिया 200 हंड्रेड मीटर्स उसका नाम रखा गया है बाहुबल्ली ये नाम शायद एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जिया युवा उत्सव इंडिया एक्ट ट्वेंटी फोर्टी सेवन वॉज लॉन्च एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट युवा उत्सवा 2047 ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर इसे लॉन्च किया गया ये आपके सामने है बड़ा सिंपल सा है बड़ा सा जी दोस्तों आंसर कर दीजिएगा आईआईटी रोपर की बात करेंगे अब युवा उत्सव है तो एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों कि इस युवा उत्सव को इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर साहब की बात करेंगे अनुराग सिंह ठाकुर साहब के पास दो मिनिस्ट्रीज आती है स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स और दूसरा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ठीक है ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव साहब के पास आती है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अनुराग सिंह को लेके भी गया अब ये सबसे मेन पॉइंट है अब ये जो युवा उत्सव है ये शुरू भले ही आई रोपर से किया गया होगा पर इंडिया के बाकी भी जगहों पर इसे लॉन्च किया गया स्पेशली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे लॉन्च किया गया ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है बाकी भी और जगहों के नाम यहाँ लिखे हुए पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है मध्य प्रदेश ओरिएंटेड एग्जाम है तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे भी लॉन्च किया गया ओके दोनों एंगल तीनों एंगल में क्वेश्चन बनेगा कौन से मिनिस्टर साहब है दूसरा इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया और साइमल्टेनियसली और किस जगहों पे लॉन्च हुआ स्पेशली मध्य प्रदेश की बात की जाएगी Uh, या बाकी तो यहां पे इनफ है uh, चलो बाकी हाँ एक एक पॉइंट नेहरू युवा केंद्र संगठन की मदद से इसे लॉन्च किया गया ये पॉइंट याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज कमिटेड वन बिलियन टू इंडिया फॉर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अलग अलग जगहों से लोन लेते हैं आपने कई बार देखा होगा वर्ल्ड बैंक से एशियन डेवलपमेंट बैंक ए एनडीबी काफी जगहों से हमें लोन मिलता है फंडिंग मिलती है क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिलियन डॉलर का लोन रिसेंटली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें किसके द्वारा दिया गया अब ध्यान दीजिएगा ये जो लोन है दोस्तों ये लोन दो तरीके से आया है एक है पाँच मिलियन डॉलर का और दूसरा अगेन पाँच मिलियन डॉलर का तो यह पैसा हमारे पास दो तरीके से आया दोनों तरीके से पैसा टोटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है और ये पैसा हमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है ध्यान दो ये पैसा दो पार्ट में आया है 500 बिलियन 500 बिलियन टोटल मनी हेल्थ केयर पे ही खर्च होगा फिर दो पार्ट में क्यों दिया फिर दो पार्ट में क्यों दिया सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है अब ध्यान दीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये पैसा दो पार्ट में देने का क्या रीजन है रीजन हमारा यह है कि कहा गया हाँ चलो यहाँ पे ये पॉइंट है ध्यान दीजिएगा ये पैंडमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम के तो पहला 500 मिलियन यहाँ पे खर्च होगा पैंडमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम अगर कोविड 19 की तरह और कोई पैंडमिक आ गया तो उसके लिए दूसरा जो 500 मिलियन है वो कहाँ पे खर्च होगा वो खर्च होगा एनहांस हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम सो यहाँ पे 500 मिलियन यहां पे 500 मिलियन इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया गया क्या यह पैसा पूरे देश में खर्च होगा जी नहीं ये पैसा खर्च होगा केवल ध्यान दीजिए आंध्र प्रदेश केरला मेघालय उड़ीसा पंजाब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश बस इन्हीं स्टेट्स के अंदर यह पैसा खर्च होने वाला है तो सात स्टेट्स के नाम मेंशन किए गए नाउ यहां पे इनका फोटो लगाया हुआ है वर्ल्ड बैंक के ये फ्यूचर हेड बनने वाले हैं अभी इनका नाम नॉमिनेट किया गया है अभी इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ इनका नाम नॉमिनेट किया गया यूएस के द्वारा अजय बांगा सर की बात करेंगे इनको इंडिया के तरफ से भी सपोर्ट मिला हुआ है यही नेक्स्ट खेड बनेंगे पर अभी बने नहीं है इनका नाम नॉमिनेट किया गया है सो so, ये भी पॉइंट याद रखना वर्ल्ड बैंक 1944 में वर्ल्ड बैंक बनाने की बात हुई 1945 से वर्ल्ड बैंक ने काम करना शुरू किया वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है दैट द केस चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हॉल मार्क, uh, आपने कभी देखा होगा आप किसी अच्छे ज्वेलरी शॉप में गए होंगे तो वहां पे हॉलमार्क या फिर कोई मार्क होता है ना सो मार्ट ज्वेलरी होती है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है कि बिना हॉलमार्क की अगर ज्वेलरी होगी तो बैन किया जाएगा अलाउड नहीं रहेगा तो आप भी अगर आपके घर में भी कोई ज्वेलरी खरीद रहा होगा तो हॉलमार्क वाली लीजिए क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है आंसर यहां कंज्यूमर अफेयर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे पास है बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और पीयूष गोयल साहब हमारे देश के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है तो उनके मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ठीक है सो यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं वेयर वॉज द एमएसईमी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इनग्रेटेड एमएसईमी इंडस्ट्रियल एमएसईमी का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एमएस का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उस कंपनियों के लिए एक एग्जिबिशन ऑर्गेनाइज किया गया और एमएससी मी मिनिस्ट्री आती है हमारे नारायण राणे साहब के पास सो so, एमएस मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री इज मिस्टर नारायण राणे सो so, क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये फेयर कहाँ पर इनोग्रेट किया गया कोटा के अंदर कोटा कोटा इज अ ऑफ अंस्टिट्यूएसी लोकसभा स्पीकर हमारे देश के लोकसभा स्पीकर कौन है जल्दी बता दीजिए बिकॉज ये ये जो ये जो फेयर है है एग्जीबिशन हमारे लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही इनोग्रेट किया गया ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है तो एमएससी मिनिस्टर नारायण राणे सर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर और ओम बिरला सर के हाथों से ही इसे इनॉग्रेट किया गया तो वो भी पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक और चीज़ मैं आ, हमारे मेरे हमेशा के लेक्चर में ये चीज़ रिवाइज करवाता हूँ स्टूडेंट से आप लोग भी ध्यान दीजिए स्पेशली नए लोग ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये एम का डेफिनेशन है माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहेंगे और मीडियम इंडस्ट्री किसे कहेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत गलत फहमी ले एग्जाम में जाते हैं और फिर निगेटिव मार्क्स आ जाते हैं ध्यान रखिएगा सो चाहे मैन्यूफर सर्विस सेक्टर कंपनियों माइक्रो कंपनी का डेफिनेशन क्या है कि जिन कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर जो ईयरली इनकम आता है, ना, जिसको कहते है वो करोड़ से कम हो. तो उसे माइक्रो कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से कम टर्न ओवर करोड़ से कम स्मॉल किसे कहेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम उसे स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे और मीडियम इंडस्ट्री किसे कहेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट पचास करोड़ से कम और टर्न ओवर करोड़ से कम अब ना उस दिन मुझे किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर सपोज इन्वेस्टमेंट दस करोड़ हो गया या टर्न ओवर पचास करोड़ हो गया तो वो यहां चले जाएगा टर्न ओवर बहुत मैटर करता है आप कितना इनकम जनरेट करते हो ये बहुत मैटर करता है क्योंकि कभी कभी शायद आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा पर आपका टर्न ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रमोशन दिया जाएगा ऐसे सिचुएशन में आपको आगे भेजा जाएगा तो वाइल रेफरिंग टू दिस इंडस्ट्रीज ये उसका डेफिनेशन है जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट पे बैटर करता है एंड इट इज़ गिवन बाय एमएससी मिनिस्ट्री याद रखिएगा दोस्तों आज की डेट में ये ऐसे पॉइंट्स क्लियरली पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट ईयर 2000 में इस स्टेट को बनाया गया तो इस स्टेट का अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ कि अगर जिन्होंने स्टेट हुड क्रिएट करने में पार्टिसिपेट किया था इफ़ दे वांट रिजर्वेशन तो उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा जॉब्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के अंदर नहीं मिलेगा तो आंसर इज उत्तराखंड की बात की जाएगी दस परसेंट तक का रिजर्वेशन है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और उत्तराखंड के गवर्नर साहब का नाम एक बार कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए हु इज द सी एंड हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट जी सही कहा आपने पुष्कर सिंह धामी सर की बात करेंगे जो जो पे पे सीएम है एंड सिंह सर या जो यहां पे गवर्नर है एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? एस शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दो को 2001 में बनाया गया इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में आता है और इसमें फिलहाल के कंडीशन में नौ कंट्रीज मेंबर है ईरान को रिसेंटली यहाँ पे एज ए में दो हजार 2001 में बना बीजिंग में हेडक्वार को सत्रह में बनी हुई है नौ एस सीओ का टूरिज्म मिनिस्टर्स का मीटिंग इस बार इंडिया में वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया काशी टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग इस नाम से बड़ा फेमस हुआ है लास्ट ईयर दो हजार बाईस में एस सी ओ के द्वारा वाराणसी को कल्चरल कैपिटल यह दर्जा दिया गया तो ध्यान रखेगा बाय एस सीओ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाराणसी बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ एस सीओ कंट्रीज तो नौ के नौ कंट्रीज का कल्चरल कैपिटल वाराणसी है सितंबर 2022 से एस का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक एस का प्रेसिडेंट इंडिया रहेगा दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट इंडिया है ओके okay? तो ये पॉइंट जरूर अच्छे से ध्यान में रखिए इसलिए कल्चरल मिनिस्टर्स का मीटिंग टूरिज्म मिनिस्टर्स का मीटिंग ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट एज रिपू रिमूव अपर एज लिमिट टू रिसीव डिजीज डोनर ऑर्गन वॉट वॉज अपर एज लिमिट अर्लियर अपना डोनर्स होते हैं ऑर्गन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग इंसान है उनके कोई ऑर्गन फेलियर हो गए तो हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले ना अपर एज लिमिट डाल के रखी थी कि इस एज के बाद वालों को हम डोन ट्रांसप्लांट uh, नहीं करेंगे बिकॉज एक एज के बाद शायद सर्जरी वर्क नहीं कर पाए जो ऑर्गन्स uh, है वो ट्रांसप्लांट करने के बाद वर्क ना कर पाए तो यंग uh, एज को पहले प्रोवाइड करेंगे तो अभी हमने लिमिट हटा दी है क्योंकि अभी मेडिकल साइंस में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है तो हमने कहा कि कोई जरूरत नहीं कोई लिमिट डालने की जिसको ऑर्गन की जरूरत है उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाए के तो पहले 65 फाइव एज का लिमिट था कि इसके ऊपर अगर कोई पेशेंट है तो उन्हें ट्रांसप्लांट ना करवाया जाए क्योंकि वर्क ना करें बहुत सारे रीजंस भी होते हैं तो ये लिमिट अभी गवर्नमेंट ने हटाने की बात की है बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है नो डाउट अबाउट दैट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल एंगल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए नेक्स्ट

एक और बैंक है जिसका बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ा वहां पे भी फेल्यूर हुआ फेल्यूर के सो मेनी रीजंस वन ऑफ द प्राइम रीजन इज दैट कि जो इन्वेस्टमेंट इन in बैंकों के द्वारा किया गया वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया सो सिलिकॉन वैली बैंक के बाद एक और बैंक है सिग्नेचर बैंक इसको भी बंद करना पड़ा एक क्रेडिट स्विस नाम की बैंक है स्विट्जरलैंड की वो भी फेल होने वाली थी पर फॉर्चुनेटली उस बैंक को बचाया गया उस बैंक को सेफ किया गया तो दो बैंकों का फेल्यूर हुआ है यूएस के इकोनॉमी के अंदर आगे और भी क्वेश्चन है कहीं जाइएगा मत अभी बस आधा घंटा हुआ है और हमारे पास थर्टी मिनट्स है इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैचेस फॉर द डिटेल स्टडी फॉर बैंक एग्जाम्स अपकमिंग बैंक एग्जाम्स और द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बाई यूजिंग दिस कोड तो सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगी सुपर कोचिंग की वहां जाने के बाद इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन टू बैंक एग्जाम बैचेस तो आप ये कोड यूज करके एनरोल कर सकते हो आ, इसकी जानकारी एक बार मैं एंड में भी आपको दूंगा पहले बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट Which country participated in the defense exercise Freedom Shield with the USA? Now Freedom Shield नाम का एक exercise recently US के द्वारा conduct किया गया। इसमें कौन सी country ने participate किया हुआ है? जा South Korea की बात करेंगे। अ India US के एक्सरसाइज का नाम बता सकते हो आप इंडिया यूएस के बीच में कुछ एक्सरसाइजेस होती है अगर आप में से किसी को नाम पता होंगे जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन सी कौन सी एक्सरसाइजेस होती है जो भी नाम आपको पता है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जल्दी से ओके टाइगर ट्रायम्प युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार बहुत बढ़िया वेरी गुड के सही सही आंसर आप लोगों ने किए हुए एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट ठीक है और एक मलाबार एक्सरसाइज भी होती है पर वहां पे बाकी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है सही आंसर किया आप लोगों ने आगे बढ़ते हैं हु हैज बिन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान फॉर 2022 फॉर अ बुक कॉल्ड एज अ सॉरी उनके बुक का नाम यहां पे सूर्यवंशम सरस्वती सम्मान ये बिरला uh, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सो so, ये सम्मान इस बार किसे दिया गया बुक के लिए अवार्ड मिलता है सो so, सूर्य ऑफ द बुक यहां पे बुक का नाम भी लिखा हुआ है इस बुक के लिए दोस्तों एक और पॉइंट याद रखना सरस्वती सम्मान जैसे अवार्ड में हम अवार्डी का नाम तो पढ़ लेते हैं पर उनके बुक का नाम भूल जाते हैं और एग्जामिनर उनके बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो यहां पे शिवशंकरी इनको ये अवार्ड दिया गया तमिल लेखक है शिवशंकरी उनको इस अवार्ड से नवाजा गया याद रखना उनकी बुक का नाम है सूर्य वंशम सबसे पहले ये अवार्ड 1991 में दिया गया हरिवंश राय बच्चन साहब को सबसे पहला अवार्ड हरिवंश राय बच्चन साहब को दिया गया था बिरला फाउंडेशन के अंदर और इस बार ये अवार्ड इनको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली ऑन द लिस्ट ऑफ फिफ्टी वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज दिल्ली का नंबर कहाँ पे आता है सो so, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है आई क्यू एयर कहते हैं वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड सिटीज का रिपोर्ट है आउट ऑफ फिफ्टी थर्टी नाइन सिटीज इंडिया की है जो मोस्ट पोल्यूटेड है आउट ऑफ सिटीज आर आर फ्रॉम इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड दिल्ली का नंबर यहाँ पे फोर्थ आता है सॉरी uh, <clears throat> uh, इंडिया की कौन सी सिटी है जो सबसे टॉप में, में आती है इंडिया की कौन सी सिटी जो सबसे टॉप में आती है इंडिया की टॉप मोस्ट सिटी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड लाहौर है के इंडिया की कौन सी सिटी है थर्ड नंबर पे आती है मोस्ट पोल्यूटेड यस भिवाड़ी की बात करेंगे विच इज फ्रॉम राजस्थान राजस्थान यस एब्सोल्युटली राइट बहुत बढ़िया वेरी गुड एंड उसके बाद फिर दिल्ली का नंबर आता है और वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड इज़ लाहौर आउट ऑफ 50 39 सिटीज इंडिया की है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एज पर वर्ल्ड बैंक इन इंडिया है टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसेंट अभी महिलाओं का लिटरेसी रेट काफी स्ट्रॉन्गली बढ़ गया है तो यहां पर कितना परसेंट हो गया है यह क्वेश्चन है यह डेटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट केरला है और मोस्ट इलिटरेट के एंगल की बात की जाए तो बिहार आता है पर सबसे यह डेटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया याद रखेगा द मोस्ट लिटरेट स्टेट इज केरला और अगर लिटरेसी में सबसे नीचे के पायदान की बात की जाए तो बिहार का नंबर यहां पर आता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ओके Uh, आप में से कोई मुझे बताएगा कि uh, पुरुषों का लिटरेसी रेट कितना है शायद किसी ने डाला भी है 84.7 परसेंट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 84.7 परसेंट ये पुरुषों का लिटरेसी रेट है आज की डेट में तो उसे गुड साइन अच्छी साइन है उम्मीद करते हैं कि वो भी वक्त आ जाए जब मेल फीमेल लिटरेसी रेट ये इक्वल पे रहे मैं तो कहूंगा कि फीमेल लिटरेसी रेट ये ज्यादा हो जाए तो असली मजा है सोसाइटी तब डेवलप होगी जब फीमेल लिटरेसी रेट थोड़ा ज्यादा असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन एम डी सी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में आता है सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पे टाइम बीइंग के लिए किसे अपॉइंट किया गया एनएमडीसी की बात करेंगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है हैदराबाद से काम करती है और उसके सीएमडी की पोजीशन पे यहां पे अमिताभ मुखर्जी साहब को अपॉइंट किया गया सिद्धार्थ मोहंती कोई बताएगा सिद्धार्थ मोहंती इज अ टाइम बीइंग चेयर और 3 मंथ्स के लिए चेयर है LIC के दीपक मोहंती इनको चेयरपर्सन की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया सो so, दीपक मोहंती पीएफआरडीए सिद्धार्थ मोहंती पी ठीक है गड़बड़ हो सकती है दोनों जगह पे मोहंती मोहंती है एक पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहां है एंड सिद्धार्थ मोहंती साहब का तीन महीने के लिए एल के चेयरपर्सन के पोजिशन पे अपॉइंटमेंट किया गया okay? आगे बढ़ेंगे समीर खक्कर पास डब है रिसेंटली ही वॉज अ फेमस समीर खक्कर साहब का रिसेंटली देहांत हो गया ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्टर यस ये राइट बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट्स ओल्ड एक्साइज पॉलिसी फॉर हाउ मेनी मंथस दिल्ली के पॉलिटिक्स में ये एक्साइज पॉलिसी बहुत बड़ा हेडैक बनी हुई है बहुत बड़ा चिंता का सबब बनी हुई है स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो ये जो एक्साइज पॉलिसी है ये छः महीने से एक्सटेंड की गई एक्साइज का मतलब होता है उत्पाद शुल्क उत्पाद शुल्क की बात होती है तो आपके टेरिटोरी के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है या जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं ध्यान रखिएगा नेक्स्ट फर्स्ट एवर मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑन द मार्च 14 मेघालय का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कमेंट सेक्शन में मेघालय के सीएम और गवर्नर का भी नाम एक बार डाल दीजिएगा हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय जल्दी से वो भी बता दीजिएगा आंसर यहां पे बड़ा सिंपल है शिलोंग में इसे ऑर्गेनाइज किया गया पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कई बार न्यूज में होते हैं सो मेघालय के सीएम एंड गवर्नर कोनार संगमा सर की बात करेंगे जो अभी अभी वापस एक बार इलेक्शन जीते हैं एंड फगू चौहान सर ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय ठीक है आगे बढ़ते हैं डीआरडीओ कंडक्टेड द टू कंजिकटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट एंड चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन द थर्टींथ ऑफ मार्च तो रिसेंटली किस मिसाइल्स का टेस्टिंग किया गया डी के द्वारा दोस्तों एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दीजिएगा कि डीआरडीओ के हमारे हमारे हेड कौन है डीआरडीओ के हमारे इंचार्ज कौन है फिलहाल के कंडीशन में उनका भी नाम बता दीजिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यस आंसर इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस 250 मीटर से लेके 6 किलोमीटर तक का इसका रेंज है तो इसका रेंज बहुत छोटा है 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर का इसका रेंज है तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कहते हैं समीर कामत सर डॉक्टर समीर कामत सर ये फिलहाल हमारे डीआरडीओ के हेड है डीआरडीओ के इंचार्ज है तो उसी डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया जिसका टेस्टिंग हुआ वेरी शॉर्ट रेंज 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर छोटी रेंज होती है मिसाइल्स के लिए तो इसे टेस्ट फायर किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा

फाइनेंस मिनिस्टर्स का एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का मेन मीटिंग इन्हीं का होता है फिर बाकी भी चीज़ें डिस्कस की जाती है बिजनेस सिविल सोसाइटी महिलाओं के बारे में या फिर एनवायरमेंट हेल्थ के बारे में तो ये मीटिंग उदयपुर में रखा गया था इनका जो पहला मीटिंग था इट वाज इन बेंगलुरु ध्यान रखेगा सो फिनेस से ओरिएंटेड इकोनॉमी से ओरिएंटेड जी ट्वेंटी का मेन मीटिंग वाज इन बेंगलुरु जहां पे हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर मैम निर्मला जी हमारे देश के आर गवर्नर आ, यस गवर्नर शक्तिकंता दास सर ये भी प्रेजेंट थे याद रखेगा सो वो मीटिंग इन बेंगलुरु ये उदयपुर में हुआ बाय द जी ट्वेंटी के जो सारे मीटिंग स्टार्ट हुए सबसे पहला मीटिंग उदयपुर में हुआ था शेरपा का सो सबसे पहला मीटिंग जो जी ट्वेंटी का है शेरपा वाला वो मीटिंग उदयपुर से ही स्टार्ट हुआ था तो यही से सारे मीटिंग्स की शुरुआत हुई और फिर सब कुछ आगे बढ़ते रहा शेरपा जी ट्वेंटी में जो मेंबर कंट्रीज है उन कंट्रीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन कंट्रीज के लीडर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको शेरपा कहते हैं यह आपको पता होगा तो अमिताभ कांत सर हमारे देश के शेरपा है मिस मोदी साहब के शेरपा है जी ट्वेंटी के मीटिंग्स में शेरपा ये वर्ड कहां पे कहां से आया माउंट एवरेस्ट की जब चढ़ाई करते हैं तो जो आपको गाइड करेगा उसे शेरपा कहते हैं तो गाइड जिस तरीके से आपको आगे ले जाएगा उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसी जी ट्वेंटी उन्हें शेरपा कहते हैं तो उसकी सबसे पहली मीटिंग उदयपुर में हुई थी और अमिताभ कांत सर हमारे फिलहाल शेरपा है आगे विन विच स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होस्टिंग द सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन मार्च एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना मीटिंग कहां पर ऑर्गेनाइज कर रही है धर्मेंद्र प्रधान सर हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है जिया पंजाब अभी आपने देखा होगा जी ट्वेंटी के आ, सारे हमारे लोग अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल सो यस वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फिलहाल अनफॉर्चुनेट इवेंट्स चल रहे हैं पंजाब के अंदर रिगार्डिंग अ वेरी न्यूसेंस एक्टिविटीज लाइक खालिस्तान विच शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय एनी वन इिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी अच्छा है कि भाई इन सारे मीटिंग्स के बाद ये हुआ अगर मीटिंग्स के दरमिया अगर ये होता तो बहुत बड़ा नाम खराब हो सकता था देश का सो so, यस yes, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एम आर एस ए एम मीडियम रेंज सर्फेस एयर सर्फेस टू एयर मिसाइल टेस्ट फायरिंग कंप्लीटेड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम वॉरशिप मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल ये नेवी के द्वारा टेस्ट किया गया अभी थोड़ी देर पहले वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात की थी ये मीडियम रेंज मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर किया गया सरफेस टू एयर एयर में जाता है तो इसका जो टेस्ट फायरिंग किया गया ये आई एन एस विशाखापट्टनम नाम का जो हमारा शिप है उससे इसका टेस्ट फायर किया गया हमारे नेवी के जो हेड है उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि हमारे नेवी के हेड कौन है एक और क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों रिसेंटली नेवी के एक इंस्टीट्यूट को नेवी के एक इंस्टीट्यूट को प्रेसिडेंट कलर इस अवार्ड के द्वारा नवाजा गया प्रेसिडेंट कलर यह अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है नेवी के अंदर तो कौन सी इंस्टीट्यूट को इस साल का प्रेसिडेंट कलर यह अवार्ड दिया गया जी आ, आर हरि कुमार सर की बात करेंगे एंड आई द्रोणाचार्य आई द्रोणाचार्य जो कोची के अंदर है जी हाँ उसी को अवार्ड दिया गया तो आई द्रोणाचार्य इस इंस्टीट्यूट को प्रेसिडेंट स्कलर इस अवार्ड से नवाजा गया नेवी का सब सर्वोच्च अवार्ड इसे माना जाता है ओके सो दैट इज द न्यूज जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे या, इसका रेंज है एक बार देख लीजिए देखिए यू कैन सी द रेंज ऑफ 70 किलोमीटर तक का इसका रेंज है ओके तो रेंज एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विच स्टेट गवर्नमेंट हेज अनाउंस द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ टू फाइव डबल जीरो रूपीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ बिटवीन एटीन टू थर्टी फाइव किस स्टेट ने रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनाउंस किया है मध्य प्रदेश का नेबरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ की बात करें और बाय द वे सबसे कम अनएंप्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर है अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा आया था उसके हिसाब से द द लोएस्ट इन 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 इंडिया इन इन इंडिया इज 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 छत्तीसगढ़ हरियाणा तो इसीलिए इन्होंने ऑलरेडी लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है ना ज्यादा यूथ होगा भी नहीं तो इसलिए ये पॉलिसी अनाउंस की गई है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ओके टू फाइव डबल जीरो रुपीज का अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा आगे बढ़ते हैं अतुकल पोंगला फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है यस yes, भूपेश बाघेल सर यहाँ पे सीएम थे यस yes, सही कहा सही पॉइंट का ओके okay, वो पॉइंट हम डिस्कस करना रह गया था पर आपने सही तरीके से उसके बारे में मेंशन किया है दिस फेस्टिवल इज़ फ्रॉम द केरला केरला का फेस्टिवल होता है तिरुअनंतपुरम के अंदर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है यस सेवन्थ मार्च से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है एंड महिलाओं के लिए ये फेस्टिवल है बेसिकली सो महिलाओं का एक रिचुअल है और uh, जिस फेस्टिवल की ये बात की जाती है के okay, uh, अतुकल पोंगला टेन डेज का फेस्टिवल है ध्यान रखिएगा सो so, यहाँ पे बेसिकली सदन रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल स्पेशली महिलाओं की बात की जाएगी केरला के सीएम और केरला के गवर्नर साहब का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा देखिए सपोज मैं भूल भी गया आपको सीएम और गवर्नर साहब का नाम पूछने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए के वहां से आपका सही तरीके से पढ़ाई भी हो जाएगी सो so, यस yes, पिनराई विजयन सर एंड आरिफ मोहम्मद खान सर यहाँ पे गवर्नर है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे हम किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों ये वो पर्सन है जिन्होंने फार्मेसी का एजुकेशन इंडिया में एस्टेब्लिश किया चाहे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो सो so, यहां पे नाम है एम एल शॉपसर की बात करेंगे सो सिक्स ऑफ मार्च इनका बर्थ हुआ था तो सिक्स ऑफ मार्च को एवरी ईयर हम ये नेशनल फार्मेसी डे मनाते हैं इनकी याद में बिकॉज ही इज एज अ फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन मार्च को इनका बर्थ हुआ था एंड ही क्रिएटेड अ फार्मेसी कॉलेजेस फॉर ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन तो इनके द्वारा एक्चुअली इस पूरे चीज को एस्टेब्लिश किया गया तो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है दूसरा ध्यान दीजिए एक और चीज इसी टाइम पे एक ना पोर्टल लॉन्च किया गया वन स्टॉप नॉन स्टॉप नाम का पोर्टल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया वन स्टॉप नॉन स्टॉप पोर्टल ये पोर्टल क्या है जिनका फार्मेसी एजुकेशन का बैकग्राउंड है उनके जॉब के लिए सो अगर आपका बी फार्म हुआ है या आपका एम फार्म हुआ है मास्टर्स इन फार्मेसी बैचलर्स इन फार्मेसी सो आपके जॉब के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया वन स्टॉप नॉन स्टॉप पोर्टल सो यहां पे भी हमारे हेल्थ एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर प्रेजेंट उनके द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया सिक्स ऑफ मार्च को यह डे होता है ध्यान रखिएगा यस इंडियन एयरपोर्ट हैज बिन एडजुक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक वी टॉक्ट अबाउट दैट इस क्वेश्चन के ऊपर हमारी बात हुई थी वन ऑफ द सेशन के अंदर आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट अगर बात करें स्काई ट्रैक्स नाम का एक रिपोर्ट आया जो पैसेंजर्स के ऊपर होता है उसमें भी इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला वही एयरपोर्ट है ठीक है तो ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो आफ्टर चाइना का एयरपोर्ट इंडिया के एयरपोर्ट का नंबर आता है ये केवल एशिया पैसिफिक अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए द बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू पैसेंजर्स तो सिंगापुर एयरपोर्ट यहाँ पे आपका टॉप में आ जाएगा एंड देन जी हाँ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी हाँ। फिन एम्पावर प्रोग्राम है प्रोग्राम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया यह बहुत जरूरी है यहाँ पे शायद क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों आखिरी के दो क्वेश्चन हमारे हैं क्योंकि उसके बाद हमें रुकना पड़ेगा हम कल और कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम और कुछ क्वेश्चन मार्च मंथ के आपके लिए कवर करेंगे बिकॉज वी डोट वॉन्टे वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क सो so, ध्यान रखेगा फिन एम ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यूएन विमेन के साथ मिलकर लॉन्च किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट किया गया एशिया ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट तो उसके जो सीईओ है सुंदर रमन राम ये भी यहाँ पे प्रेजेंट थे एंड यूएन एन जिसे 2010 में बनाया गया न्यूयॉर्क में जिसका हेडक्वार्टर है इनके द्वारा फिन एम्पावर फाइनेंशियल एम्पावर के तौर पे महिलाओं के लिए इसे लॉन्च किया गया लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है अच्छे से पढ़िएगा स्वच्छतोत्सव थ्री वीक विमेन लेड स्वच्छता अभियान इसकी यहां पे बात की गई है तो यहां पे तीन स्टेटमेंट uh, है उसका आंसर आपको करना है द कैंपेन एम्स टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द ट्रांजिशन फ्रॉम वेमेन इन सैनिटेशन

तो बाकी हरदीप सिंह पुरी साहब की मिनिस्ट्री यहाँ पे आती है स्वच्छतासव की बात की जाएगी महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे बहुत एक्सपेक्ट की जाती है तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये कैंपेन वर्क करेगा सो आंसर इज यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन एंड थ्री तो थ्री यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है ठीक है सो यस गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे आपसे मुलाकात होगी एक और सेशन के अंदर कल कल हम तीन बजे वापस मिलेंगे हमारे इन सेशंस के अंदर दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है यहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ से आप इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो कल भी हम कुछ क्वेश्चंस मंथ ऑफ मार्च के देखेंगे और साथ में थोड़ा सा किसी ने रिक्वेस्ट कि की थी कि आरबीआई का भी थोड़ा सा डेटा डिस्कस किया जाए तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा कोई चिंता नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल कुछ क्वेश्चन मार्च के एंड समेटा रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी एग्जाम में ही काम में आएगा ठीक है तो मुलाकात होगी कल सुबह सात बजे करंट अफेयर्स का सेशन एंड तीन बजे एमपी कोऑपरेटिव का सेशन तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा बाय दोस्तों